इज़ नॉट इसमें क्या है कि आपका जो नंबर रिपीट हो रहा है तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा रेदर दन कि आपका डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कंसिडर होगा ओके सो मेक एज मैनी फोर डिजिट नंबर्स एज यू कैन विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट आपके दोनों नंबर्स में से कौन सा ग्रेटेस्ट आपको दिखा सेवन एट थ्री फाइव इज़ द ग्रेटेस्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट इज़ सेवन सेवन थ्री फाइव आपको इसमें से चार नंबर आपके पास फोर डिज़िट है आप इस, इसको अच्छे समझो फोर डिज़िट नंबर है फोर डिज़िट नंबर से आपको चार अलग अलग नंबर बनाने हैं बस इसमें एक केस ये होना चाहिए कि आपका कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए रिपीट होगा तो आपका नंबर फॉर्म नहीं होगा तो इस चार डिज़िट से आपके चार नंबर फॉर्म होंगे उसमें से आपको ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ओके ये एग्जांपल है स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर हु इज़ द टॉलेस्ट एंड हु इज़ द शॉर्टेस्ट अब आपको इसमें से शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट समझ में आ रहा होगा कौन है वन फिफ्टी फ़ोर सेंटीमीटर डॉली डॉली की हाइट बाकी सबसे कम है सो कैन यू अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट इन इसको किस में हमको अरेंज करना है छोटे से बड़े में अरेंज करना है इनक्रीजिंग ऑर्डर में तो वन फिफ्टी फ़ोर मतलब डॉली की हाइट दैन मोहन की हाइट देन शशि आफ्टर दैट राम हरी ओके असेंडिंग ऑर्डर आप प्रिवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ पढ़ चुके होंगे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट फ्रॉम दी इस्मॉलेस्ट टू दी ग्रेटेस्ट कैसे अरेंज करते हैं छोटे से पढ़ा एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ओके आई होप यू गॉट एट शिफ्टिंग डिजट शिफ्टिंग डिज़िट का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को शिफ्ट करना कैसे यहाँ पढ़ो हैव यू थाट वॉट फन इट्स वुड बी इफ़ द डिज़िट इन अ नंबर कुड शिफ्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर थिंक अबाउट व्हाट वुड हैपन टू वन एटी टू इट कुड बिकम अ लार्ज एज एट टू वन हमने वन एटी टू को शिफ्ट कैसे किया नंबर से एट टू वन से And and as a अ स्मोल one twenty eight. Try this with three ninety one as well. आपके पास आपने वन एटी टू को किस किस नंबर में शिफ्ट किया एट टू वन से हमने एट पहले आया करके टू वन कर दिया दैन वन टू एट ओके ये शिफ्ट होता है नंबर जो मतलब वन डिज़िट को दूसरे डिजिट के साथ इंटरचेंज करना वैसे आप फोर डिजिट के साथ भी कर सकते हो फाइव डिजिट के साथ भी कर सकते हो ओके तो शिफ्टिंग डिजिट इज़ नथिंग बस आपको जो एक डिज़िट दिया जाएगा उसको आपको आगे पीछे अरेंज करके लिखना है ओके सो इंट्रोड्यूसिंग टेन थाउजेंड वी नो दैट बियॉन्ड नाइन्टी नाइन देर इज़ नो टू डिज़िट नंबर नाइन्टी नाइन इज़ द ग्रेटेस्ट टू डिज़िट नंबर सिमिलरली द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेज में आप लोग छोटे में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन कितने कौन से हैं मतलब टू डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा डबल नाइन थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ट्रिपल नाइन एंड फोर इज फोर टाइम्स नाइन अब लुक एट द पैटर्न ये जो पैटर्न है इसको हमने क्या किया है उसमें ऐड किया वन नाइन प्लस वन इज टेन तो टेन इंटू वन इज टेन नाइन्टी नाइन प्लस वन हंड्रेड इज इक्वल टू टेन इंटू टेन ओके इस फॉर्म में करना है इसको दो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस वन इज इक्वल टू इस्मेस्ट टू माइनस डिजिट नंबर क्या बता रहे हैं यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट मान लीजिए आप ग्रेटेस्ट नंबर क्या है नाइन प्लस वन हमने वहाँ पे किया प्लस वन इज इक्वल टू इस्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर आपका स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कौन से हैं टेन एंड माइनस इज़ डिजिट नंबर वन वन आपका डिजिट नंबर है आप नीचे वाला फॉर्म देखो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर मीन्स नाइनटी नाइन प्लस वन इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर वन हंड्रेड माइनस डिजिट नंबर डिजिट नंबर मीन्स वन ओके सो आई होप ये समझ में आ गया होगा वन थाउ आपके टेन थाउजेंड को कैसे इसने किस फॉर्म में बनाया है रिविस्टिंग प्लेस वैल्यू इज़ नथिंग उसमें कुछ खास नहीं है इंट्रोड्यू इंट्रोड्यूसिंग वन लैख अभी हमने टेन थाउजेंड पढ़ा था वन लैख पढ़ेंगे विच इज़ द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर आपका ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर कौन सा है एडिंग वन टू द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर फाइव डिजिट नंबर इज़ फाइव टाइम्स नाइन प्लस वन उसमें वन ऐड करने के लिए कह रहे हैं देन वो इट बिकम अ वन लैक दिस नंबर इज नेम एज वन लैक वन लैक कम्स नेक्स्ट इन नाइन्टी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन मीन्स टेन इन वन टेन थाउजेंड इज इक्वल टू वन लैख ये तो समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया है जो फाइव डिजिट नंबर है ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर में उसमें हमने वन प्लस ऐड किया है सो so उसको जब प्लस करने के बाद आया तो हमारा वन लैक आया उस वन लैक कम नेक्स्ट टू वन लैक किस से पहले आता है नाइन्टी नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड नाइन नाइन के बाद कौन से नंबर आते हैं वन लैख का तो हमने इसको कैसे लिखा है टेन इंटू टेन थाउजेंड मीन्स टोटल इज़ इक्वल टू वन लैख वी वी मे नाउ राइट सिक्स डिजिट नंबर इन एक्सपेंड एक्सपेंडेड फॉर्म सिक्स डिजिट नंबर है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म ये एग्जाम्पल है आपका टू फोर सिक्स एट फाइव थ्री ठीक है तो इसको हमने क्या किया एक्सपेंडेड Ex फॉर्म मतलब हमको इसमें जीरो ज़ीरो मल्टीप्लाई करना है तो टू इंटू कित, कितने जीरो होंगे फाइव ज़ीरो मीन्स वन लाख प्लस फोर इंटू टेन थाउजेंड प्लस सिक्स इंटू वन थाउजेंड प्लस एट इंटू एट वन हंड्रेड प्लस फाइव इंटू टेन प्लस थ्री इंटू वन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये आई होप ये समझ में आ गया हो कि ये कैसे लिखा है जब आप इसके एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये कैसे एक्सपेंड फॉर्म में लिखा गया है ओके okay? सो so, आप, आपको मैं यूज़ ऑफ कॉमास बताती हूँ यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन अ राइटिंग लार्ज नंबर्स इन अ सेक्शन एवब वी हैव ऑफन यूज कॉमास कॉमास हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स कॉमास किस में हेल्प करता है हमें रीड करने में और लार्ज नंबर को लिखने के लिए इन आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूम्रेशन वी यूज वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड एंड करोड़ हम लोग अपने इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में न्यूम्रेशन को कैसे पढ़े हैं हम लोग वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड एंड टेन लैक्स एंड करोड़ कॉमास आर यूज टू मार्क थाउजेंड लैक्स एंड करोड़ कॉमास कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है थाउजेंड्स में हमारे करोड़ में एंड लैक्स में ओके okay. First commas come after.